डाइडेंटेट लिगेंड्स, मलकीत वो होगा है जिया, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे सर मना रही है। पता नहीं सर, मैसेज करती हूँ। बहुत सारे बच्चे थिंक इंडिपेंडेंस डे मोड पे हैं। नेक्स्ट इज पॉलीडेंटेट लीगेंड। नाउ व्हाट इज अ पॉलीडेंटेट लीगेंड? पॉलीडेंटेट लीगेंड इज वन व्हिच फॉर्म्स मल्टीपल, मल्टीपल मींस मोर देन टू बॉन्ड्स विद द सेंट्रल एटम। वन मॉलिक्यूल और वन आयन ऑफ लीगेंड फॉर्म्स मल्टीपल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट टाइप ऑफ लीगेंड इज नोन एज पॉलीडेंटेट लीगेंड। ओके, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल इज दिस इथाइलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटेट आयन EDTA 4 नेगेटिव। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलीडेंटेट लीगेंड। अब है क्या इथाइलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटेट आयन? सो स्टार्ट स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसका। इथाइलीन, इथाइलीन इज इथेन, इथेन इज CH2 single bond, CH2 diamine N tetraacetate ion CH2 CO O negative CH2 CO O नेगेटिव। CH2 CO O नेगेटिव, सेम द साइड CH2 CO O नेगेटिव। चेक करो नेम, फ्रॉम नेम स्ट्रक्चर ठीक है। इथाइलीन डायमीन, इथाइलीन मीन्स टू कार्बन, डायमीन दिस नाइट्रो, दीज टू नाइट्रोजन ग्रुप, टेट्रा एसिटेट वन एसिटेट आयन, ठीक है। दिस मॉलिक्यूल इज हेक्साडेंटेट, हेक्सा मीन्स हेक्साडेंटेट स्टैंड्स फॉर इट्स डेंटिसिटी इज सिक्स, इट्स डेंटिसिटी इज सिक्स, ठीक है। सिक्स कौन कौन सी अकाउंट करते हैं डेंटिसिटी सिक्स कैसे है? नाइट्रोजन हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर अवेलेबल फॉर डोनेशन, सो 1 2, ठीक है। थर्ड फोर काउंट करो, 3 4 5 6, सो 2 नाइट्रोजन एटम्स and 4 oxygen atoms act as donor atoms in EDTA 4 negative ion।
okay. This one is a hexadentate ligand. So I think ठीक होगा सबके. Is it okay? Polydentate, didentate, unidentate. सर इसमें सेंट्रल एटम C2H4 है. इसमें सेंट्रल कोई भी नहीं है बच्चे. सेंट्रल तो मेटल होएगी. ये तो सिर्फ लीगेंड बनाया है. सेंट्रल तो कोई भी नहीं है इसमें. सेंट्रल ऊपर वाले में देख, डाइडेंटेट में यहाँ पे M था, ठीक है. मेटल तो है ही नहीं. ये तो सिक्स बॉन्ड्स फॉर्म करेगा उसके अराउंड, ठीक है. उसे सपोज मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ड्रॉ ना करना. अगर करना भी है कोई नहीं, देख लेना. ये M है, इसके साथ सिक्स बॉन्ड्स फॉर्म होएंगे ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6. बल्कि ठीक है, यस सर. ठीक है. इट इज हेक्साडेंटेट. लिखा हुआ है यहाँ पे, इट कैन बाइंड थ्रू 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स. ओके, ड्रॉ कर लो स्ट्रक्चर. बॉन्ड्स बनाने हैं वो आपकी मर्जी. वैसे नाम बनाओ बेटर है, कंफ्यूज ही करेंगी वो लाइंस. नेक्स्ट इज चिलेट और चिलेटिंग. चिलेट लीगेंड और चिलेटिंग लीगेंड. नाउ व्हाट इज दिस चिलेट और चिलेटिंग लीगेंड? बच्चे चिलेट और चिलेटिंग लीगेंड इज व्हेन एनी लीगेंड अदर देन यूनिडेंटेट मींस डाई डेंटेट hexadentate, tetradentate, any other ligand uses its 2 or more donor atoms to bind with the single central atom is said to be chelate. Word meaning of chelate is ring forming. Chelate means ring. Forming ligand. So what is a chelate ligand? Chelate ligand is one which forms ring around the central atom. Okay? That is known as a chelate ligand. Bacho upar wala note kar liya, 2 minute lagao karo. 2 second bas. Hello, yeah. Haan ji, jiye bolo. क्यों छुट्टी क्यों है? नहीं नहीं छुट्टी छट्टी नहीं होती मेरी क्लास की इजीली, ठीक है. हाँ हाँ ओके. ठीक है. सच कॉम्प्लेक्सेस कॉल्ड चिलेट कॉम्प्लेक्सेस. मींस कौन से कॉम्प्लेक्सेस? द कॉम्प्लेक्सेस which contain chelating ligands. Those complexes are known as chelating complexes. ठीक है. और chelate बच्चों जो याद करना है अलग से highlight कर लेना please. This one, these chelate complexes are more stable than non-chelating means complexes of unidentate ligands. These tend to be more stable.
अब रिंग बनी कैसे, क्या चीज है वो दिखाता हूं। एक कॉम्प्लेक्स कंसिडर करो, कॉम्प्लेक्स इज सी ओ ई एन थ्री, सी ओ ई एन थ्री, थ्री पॉजिटिव। ओके, नाउ व्हाट इज ई एन? लास्ट टाइम लिखा था इट इज अ न्यूट्रल लिगेंड। ई एन इज इथेन, 1.2 डायमीन। ओके, हाँ जी, इथेन 1.2 डायमीन। सो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख रहे हैं इसका, कोबाल्ट, इट हैज 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बाय द लिगेंड्स, 1 ethylene diamine, 1 ethane, 1 2 diamine. दिस लिगेंड इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाउ मेनी बॉन्ड्स? 2 बॉन्ड्स। EN इज अ डाइडेंटेट लिगेंड। अब जो मैं बोल रहा था दैट इट फॉर्म्स अ रिंग अराउंड द एटम, रिंग इज यहां पे देखो बन रही है बच्चे रिंग, क्लोज। यस सर। ओके, दिस इज अ चिलेटिंग लिगेंड। सो EN आइडिया लगा है? व्हाट इज EN? EN is didentate ligand, ethylene diamine है, पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा। एक और देखो यहाँ पे भी, अगेन EN, दिस ethylene diamine forms ring around the new central atom. ठीक है, थर्ड लीगेंड इज ऑल्सो इथाइलिन डायमीन, अनदर रिंग, दिस वन। ओके, सो मेरा एक, अगर आपका टॉपिक क्लियर है, पुराना भी रिवाइज किया है, तो एक आंसर दो प्लीज। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कोबाल्ट का इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल? हाँ जी, एनीवन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट? No? 6. Coordination number is 6. Okay? Coordination number of cobalt is 6. ये क्या हुआ? Coordination number is 6 बच्चे. Count करो bonds. वैसे मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. जिसने भी बच्चा 3 बोला था एक बार चेक कर लो, इज इट ओके? कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, ठीक है, बिकॉज ई एन इज डाइडेंटेट लिगेंड। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ लिगेंड आफ्टर चिलेटिंग लिगेंड्स, एम्बीडेंटेट। बोले दीज आर नोन एज, व्हाट आर एम्बीडेंटेट लिगेंड्स? एम्बीडेंटेट लिगेंड इज अ यूनिडेंटेट लिगेंड।
यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, फर्स्ट वर्ड ही लिखो प्लीज, यूनिडेंटेट लिगेंड, यूनिडेंटेट लिगेंड विच लाइगेट, लाइगेट मीन्स विच फॉर्म्स बॉन्ड थ्रू टू डिफरेंट एटम्स, विच फॉर्म्स बॉन्ड विद सेंट्रल एटम थ्रू टू डिफरेंट एटम्स इज कॉल्ड एम्बीडेंटेट लिगेंड. सो बेसिकली इट इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड बट इट इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड्स थ्रू मोर देन वन एटम. एग्जाम्पल देखो, जो ऊपर एग्जाम्पल है लिखी हुई है उसने, वो तो आप कर ही लोगे. डिफरेंट एग्जाम्पल लो, कंसिडर दिस सी एन, दिस इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड्स विद सेंट्रल एटम थ्रू नाइट्रोजन, ठीक है, और इट इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड थ्रू कार्बन. थ्रू कार्बन और थ्रू नाइट्रोजन. सो सी एन नेगेटिव इज अ एम्बीडेंटेट लिगेंड. एटम पे देखो बच्चे, यहां पे एटम कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, नाइट्रोजन. इन सेकेंड केस विच एटम फॉर्म्स बॉन्ड विद सेंट्रल एटम, कार्बन. सो सी एन इज अ एम्बीडेंटेट लिगेंड, इट कैन लाइगेट थ्रू नाइट्रोजन और थ्रू कार्बन. बट इंपॉर्टेंट थिंग वर्ड है जो, इट इज यूनिडेंटेट. ऑल्दो इट इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड्स थ्रू कार्बन एज वेल एज नाइट्रोजन, बट नॉट टू एट अ टाइम, फॉर्म सिंगल बॉन्ड एट अ टाइम. देयर इज अ करेक्शन इन नोट्स, इट्स NO2 सिंगल नेगेटिव. ठीक है, दोबारा देख लो कौन कौन से करे हैं, यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, चिलेट, एम्बीडेंटेट. एंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज वी हैव ऑलरेडी डन इन लास्ट लेक्चर. एक बार चेक करो जो स्क्रीन पे है, करे हुए हैं लास्ट लेक्चर में, देख लो कोई मिस तो नहीं है. ओके, आई हैव फॉरवर्डेड यू एज इट इज. फ्लोराइडो, अपने प्लीज नोट्स चेक करो जो अपने लास्ट टाइम लिखे थे. क्लोरो तो नहीं लिखा, क्लोराइडो. बच्चे एक बार नोट्स देख लो प्लीज. आयोडाइडो ऊपर वाले, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो लिखे हुए हैं ना, एक बार चेक कर लो सारे हैं. अगर कोई मिस हुआ बाद में रेफर कर लेना. नेगेटिव भी लिखे होंगे आई थिंक, पॉजिटिव वाले भी होंगे. न्यूट्रल भी होंगे, ये कुछ न्यूट्रल थे. एंड देन फ्यू पॉजिटिव लिगेंड, हाइड्रोजोनियम, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम, हमने लास्ट टाइम करे थे.
Now you know what is the denticity. So find out the coordination number. मैं कुछ compounds लिख रहा हूँ. Try to calculate coordination number. जो ऊपर example है उन्हें छोड़ दो, जो मैं दे रहा हूँ ऊपर वाले अपने read कर लेना बाद में. अभी read कर रहे हो, पूछना है तो पूछ भी लेना. मेरा question है calculate और predict coordination number. Coordination number of central metal atom or ion. First one is Fe H2O. FeH2O 4 Cl 2 single positive. This is A part. B is CO OX 3 negative. OX stands for oxalate. Fe EDTA 2 negative. So one by one first dekh lo. Ananya, in first case what is the coordination number? 4 coordination number is coordination number of iron is 4. Ekam, is it 4 hi hai in first case coordination number of iron? Ekam hai present? दो दो एकम प्रेजेंट है, कोई तो बोलो. हरनूर, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन? मलकीत सर 2. Coordination number, I think, हाँ जी बोलो. 2 2 नहीं है. जो पहले बोला था अनन्या ने, 4 भी नहीं है. Anyone else? 6. Coordination number is 6. बच्चे coordination number का मतलब है number of coordinate bonds formed by the central atom. या फिर ऐसे बोलते हैं coordination number is the number of coordinate bonds formed by the ligands, all the ligands. So what is the coordination number in this case? Coordination number is 6. 4 plus, dekho water kya hai, unidentate. Chlorine kya hai, unidentate. Do chlorine hai, 4 water hai. So coordination number of iron is 6. Is it okay? Second, किसने करना try? OX is oxalate. It is a didentate. मैं पहले लिख देता हूँ. OX क्या है? OX is didentate ligand. It is a didentate ligand. Can you guess its coordination number? Coordination number of cobalt. हाँ जी. 6. चलो फर्स्ट आंसर आया 6. नमीशा 3. हाँ जी 3. एनीवन एल्स? समृति
In this case, coordination number of cobalt, coordination number of cobalt is 3 × 2, 6. ठीक है, ठीक है मलकीत स्मृति, ओके. बच्चे देर आर थ्री ऑक्सलेट बट वन ऑक्सलेट फॉर्म्स हाउ मेनी बॉन्ड्स, टू बॉन्ड्स, टू कोऑर्डिनेट, इट्स डेंटिसिटी इज टू. वही तो टॉपिक करके हटे ना अभी, डेंटिसिटी इट फॉर्म्स टू बॉन्ड्स. ओके सर, डेंटिसिटी का चार्ट बनवा दोगे? कैसे डेंटिसिटी कितने के कितने होती है? डेंटिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, बच्चे ऊपर लिखी हुई है जो चार्ज वाले हैं उसी से, बाकी अगर कोई डिफरेंट आएगा मैं करवाऊंगा. ओके वैसे उसमें लिखे हुए हैं, मोस्ट ऑफ द लिगेंड्स आर यूनिडेंटेट. ठीक है, जो डाइडेंटेट लिगेंड्स हैं, दीज आर ऑलरेडी गिवन इन एग्जांपल. देखो डाइडेंटेट लिगेंड होंगे वहां पे, यहाँ पे हम करके आए हैं, ये रहे इथेन 1,2-diamine ऑक्सलेट मिले, दीज आर टू डाइडेंटेट. इनके अलावा दीज आर टू कॉमन, इनके अलावा अगर कोई होएगा ठीक है वो मैं बताऊंगा. ठीक है, हाँ जी सर. ओके कोई डिफरेंट होएगा मैं जरूर लिखवाऊंगा, जैसे EDTA 6 वाला आया था वो करवाया. ठीक है, डेंटिसिटी बट जिन जिन की है, जिनमें चार्ट में है वो चार्जेस में है वो याद रखना. नाउ वही कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक बार चेक करो, ये लास्ट टाइम किया हुआ है. सी पार्ट का आंसर भी 6 है ना? सी पार्ट नहीं किया, हाँ जी सी पार्ट का भी 6 है. EDTA इज हेक्साडेंटेट. ठीक है, हाँ जी कोऑर्डिनेशन स्फीयर रीड किया, कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस केस इज 6. गगन व्हाई कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 इन केस ऑफ FEDTA इन सी पार्ट? Why it is 6? और जस्ट अनम्यूट करके यस और नो बोल दो, अगर ओके है तो ठीक है, नहीं ना जी बोल क्यों नहीं रहे सर? जी सर 3 पॉजिटिव हो गए हैं. EDTA has density 6 simply लिखना, because EDTA जो EDTA है ना, EDTA is hexadentate ligand, is hexa
डेंटेट, लिगेंड. ठीक है, देयरफॉर डेंटिसिटी ऑफ आयरन इज 6. ओके, नेक्स्ट है बच्चे कोऑर्डिनेशन स्फीयर. नाउ व्हाट इज अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर? कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज अ सेंट्रल एटम प्लस लीगेंड. सो कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक्चुअली क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंटेन सेंट्रल एटम एंड द लीगेंड्स अटैच टू इट. In total, this combination is known as coordination sphere or coordination entity. Now, coordination spheres can be cation, these can be anion or neutral. First example, dekho. Cation, CO. NH3 6 3 positive. In this coordination sphere is a cation. Positive charge hai na? It is cationic. In these two, next two examples echo COCl4 NH3 2. Same example hogi. In this case, coordination sphere is anion. Okay. In third example, dekho. In this, the coordination sphere is neutral. So, coordination sphere can be cation, it can be anion, or it can be neutral. Tino examples note kar lo, aur important definitions over hain, ligand types over hain. Ab karne hain written work. Okay, jo samjhna tha, jo basic knowledge thi, wo ho gayi hai. रिगार्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. फिर भी जिन्होंने स्टार्टिंग से करना है या रिवाइज करके लास्ट लेक्चर नहीं आए, मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स बता रहा हूँ क्या क्या करना है. डबल सॉल्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन स्फीयर. कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो चीजें, सेंट्रल मेटल एटम, लीगेंड्स, लीगेंड के टाइप बेस्ड ऑन डेंटिसिटी एंड बेस्ड ऑन चार्ज. ठीक है, अभी तक ये किया हमने. नाउ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम. ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर बहुत कैलकुलेट करा है प्लस वन में, अब यूज करते हैं प्रैक्टिस. देखो क्वेश्चन इज कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर. कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन. ए पार्ट A part is Fe H2O 6 Cl 3. Valency chart nikal lo jo last time kiya tha.
ligands based on it, ligands, types of ligands based on charge, CO, NH3, 4, Cl2, Br, C, Pt, NH3, Cl, Br, I. One, two, three, four, six. D, K3, Fe, Cn, six. In these, you are asked to calculate oxidation state of metal. मैं सी पार्ट कर रहा हूँ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है. कंसिडर इट एज एक्स प्लस टू, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अमोनिया? जीरो. चार्ट है ना बच्चे आपके पास, देखो अपने नोटबुक मिला. अमोनिया इज अ न्यूट्रल लिगेंड. अनन्या मिला? Yes, sir. Yeah. Similar plus chlorine. Chlorine is minus one. Bromine again minus one. Iodine two into minus one. Overall likh do zero. So solve for x. Kya aa gaya? X is plus four. X in this case is plus फोर. एक एग्जाम्पल और देखो. इन दिस आयरन लेट इट बी एक्स. वॉटर, चार्ज ऑन वॉटर इज जीरो प्लस थ्री. चार्ज ऑन क्लोरीन इज माइनस वन, जीरो. सो प्लस थ्री. ओके. कैलकुलेट करो चार्ज ऑन कोबाल्ट एंड चार्ज ऑन आयरन इन बी एंड डी. करमन एंड अरुणप्रीत, हाँ जी करमन, होया? अरे अरुण हाँ जी करो करो. इन विच केस? बी पर. बी इज प्लस थ्री. परफेक्ट. ठीक है सॉल्व करोगे. एक्स पार्ट नाइन सिक्स. नो नाइन नहीं होएगा बच्चा. सर माइनस थ्री. माइनस मैं वैसे बोल रहा था, माइनस पॉसिबल ही नहीं है. ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेट कैन नॉट बी नेगेटिव. मिनिमम जीरो हो सकता है. नॉट इवन सिक्स.
यस सर थ्री हाँ जी थ्री आ रहा है बट बहुत सारी ट्राइज हो गए हाँ जी ओके सो देखो दिस इज थ्री एंड पोटेशियम इज प्लस वन आई थिंक जिसने भी माइनस नाइन या नाइन बोला था ही और शी इज टेकिंग पोटेशियम एज माइनस वन प्लस आयरन एज एक्स साइनाइड एज सी एन नेगेटिव माइनस वन प्लस थ्री ओके सो दिस इज हाउ टू फाइंड the oxidation state of central atom okay next After oxidation state and before we'll proceed towards nomenclature of these coordination compounds, next topic is homoleptic and heteroleptic complexes. A homoleptic complex is one which contain only one type of ligands, which contains only one type of ligands. It is homoleptic. Okay. Another example is NiCO4, this or Another example, FeH2O6, two positive, ठीक है? Positive negative की tension नहीं लेनी, वो अपने आप पता लगेगा कैसे charges लगाने हैं, जैसे जैसे proceed करेंगे chapter को. All three, एक example जो given है, दो मैंने लिखी हैं, these are homoleptic. Why? Because In this complex, nickel contain only one type of ligand, carbonyl. In this, iron contain one type of ligand, water. So therefore, these are homoleptic. Okay? Next, if there are more than one kind of ligand, so kya bolenge? One kind of ligand, then These type of complexes are known as heterolytic. These are known as heterolytic. Heteroleptic. Heteroleptic complexes. There is one example. Another example, dekho. FeH2O4Br2. This one. It contains four water, one type of ligand, and two bromine, another type of ligand. Okay, homoleptic and heteroleptic complexes. Another example is bache homonuclear. Homonuclear and polynuclear. Homonuclear and polynuclear complexes. What are these homonuclear or polynuclear complexes? Complexes in which only one metal atom is present. Those are known as homonuclear, means single nucleus. Only one central atom is there. For example, in this complex,
there is only cobalt as central atom. And in second example, there is only copper as central atom. So these two are homonuclear. Okay. Then there are another type of ligands known as polynuclear. Polynuclear means which contains more than one, usually two metal atoms. These contains usually two metal atoms. These are known as polynuclear. This is a different example. अभी तक आपने ऐसे complex करे नहीं थे. See this example. In this example, there are two central atoms. One is cobalt and another is iron. This is not misprinted. It is a one complex containing two central atoms, cobalt and iron. These type of complexes are categorized as polynuclear. Okay. These are polynuclear complexes. एक बार अपने 5 मिनट ले लो बच्चे, थोड़ा सा देख लो, स्क्रॉल कर लो, मतलब अपने पेजेस और ऊपर करके देखो, कुछ पूछना है पूरे चैप्टर में से. देखिए हेट्रोलेप्टिक में कौन से डोनर ग्रुप्स हैं? अमोनिया एंड साइनो. ठीक है, ये तो हो गए सेंट्रल एटम. लिगेंड कौन कौन से हैं? 6 अमोनिया एंड 6 साइनाइड ग्रुप्स हैं. सर साइनाइड ग्रुप्स कहाँ पे हैं? किसमें कह रही है? सर हेट्रोलेप्टिक में जो एग्जांपल दी है. ओके सॉरी, मैं पॉली ने ला उसमें कर दिया. ये रहे बच्चे, इस केस में 4 वाटर. ओके एंड 2 ब्रोमीन. ओके ठीक है. ठीक है, अच्छा अगर किसी ने प्रिंट आउट लिए नहीं है तो लेना ना, अभी थोड़ी सी करेक्शंस हैं, मैं करके फिर सेंड करूंगा. ठीक है. अच्छा जो जो नजदीक हैं वो तो प्लीज कलेक्ट कर ही लेना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा चैप्टर ऐसे ही करना है क्वेश्चन आंसर. जब मर्जी आके आज कल कलेक्ट कर लेना. ओके अच्छा जो टॉपिक करे हैं कुछ उन पे क्वेश्चंस करने हैं, नॉमेनक्लेचर नहीं अभी करनी, असाइनमेंट पे चलो. नाम होएगा आइसोमरिज्म. फर्स्ट क्वेश्चन, इनफैक्ट फर्स्ट अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी. हमने बच्चे वर्नर थ्योरी डिस्कस करी है इस क्लास में? नहीं करी है ना? नो सर. ठीक है, वर्नर थ्योरी करनी है. मैं टिक कर रहा हूं जो जो क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं. फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जो स्क्रीन पे है क्वेश्चन करो. फर्स्ट,
फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ. सर एक डाउट है. हाँ जी. एक आपने सर कॉपी में ना एग्जांपल लिखवाई थी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कोबाल्ट NH3 6 Cl3, तो उसमें Cl3 एक मिनट NH3 6 एंड अगर ऐसा कुछ लिखवाया तो गलत लिखवाया होगा. कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही लिखवाया है. यस सर. ये 6 है, ये 3 है, ऐसा कुछ है? नहीं सर, Cl3. अच्छा सी, इसके बाहर होएगा बच्चे फिर वो ब्रैकेट के बाहर ही है. हाँ हाँ बाहर तो ओके है, परफेक्ट है. ठीक है. हाँ जी, उसमें क्या डाउट है? तो सर Cl3 इसमें आपने लिखा था कि ये काउंटर आयंस है. हाँ जी, इट इज अ काउंटर आयन. अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर सिर्फ ये है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है. सर इसमें Cl3 वो लिगेंड्स नहीं है? नो 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 नो, लिगेंड जो अंदर है, दीज आर द लिगेंड. ओके सर. ठीक है, ये लिगेंड है, इट्स नॉट लिगेंड, इट्स जस्ट अ काउंटर आयन. ठीक है, ये आयोनाइज हो सकता है. और सर अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो भी नहीं काउंट करना, काउंटर आयन इज नॉट टू बी काउंटेड. ओके सर. ओके, ओनली लिगेंड्स जो स्क्वायर. अच्छा, टर्म भी चलो अगर कंफ्यूज कर रही है छोड़ दो, सिंपल सी बात है. कोऑर्डिनेशन नंबर मींस कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, और जो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं. ठीक है, ना ही स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट साइड कोई चीज काउंट करनी है और ना ही राइट साइड वाली कुछ काउंट करोगे. ओके सर. ठीक है. अच्छा ठीक है. ओके, देखो the number of ions formed on dissolving one molecule of this question we have done. Dissolving अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो अपने आप सपोज कर लेना किसमें डिजोल्व कर रहे हो. दीज आर टू बी डिजोल्व इन वॉटर. हाँ जी, हो गए फर्स्ट. देखें अपने अपने चेक करते रहना. इन दिस, व्हेन दिस मॉलिक्यूल इज डिसॉल्वड इन वाटर, नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड, दिस आयन डिसोसिएट एज Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 NH4 पॉजिटिव प्लस SO4, 2 negative, how many sulfate ions? 2. So total number of ions formed, how many? Total number of ions जो form हो रहे हैं in this case? 5. ठीक है, 5. Next है. फिर 2 sulfate ions कैसे आया? देखो. There is one sulfate, another sulfate. Okay, sir. ठीक है.
नेक्स्ट देखो, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स इज, ईएन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बच्चे? इथाइलीन डायमीन इज टू, ठीक है, एंड ब्रोमीन का है 1, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, ठीक है, इट्स नॉट ऑक्सीडेशन स्टेट, उससे कंफ्यूज नहीं करना, कोऑर्डिनेशन नंबर। हिंट लिखना है, साथ साथ लिखते जाओ, हिंट है ईएन इज डाइडेंटेट, डाइडेंटेट, ओके, और जो सेकेंड है ब्रोमीन, वन सेकेंड, ब्रोमीन इज यूनिडेंटेट। हाँ जी निमिषा बोलो सर, एक बार फर्स्ट बताना दोबारा से। फर्स्ट वाला, अच्छा म्यूट ना करना, देख एक आयन बना बच्चे फेरस आयन, ये ठीक है, हाँ जी। दो आयन्स बने अमोनियम, कितने हो गए? 3, ठीक है, दो सल्फेट हैं, एक ये और एक ये, अच्छा ठीक है, बस ये दो सल्फेट ही पता चल रहा था, चलो ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स फॉर्म चिलेट आउट ऑफ दीज, चिलेट कौन फॉर्म करता है? मोनोडेंटेट लीगेंड के अलावा कोई भी हो, सो आंसर इज ऑक्सलेट, व्हाई? ऑक्सलेट इज डाइडेंटेट, ठीक है, बाकी जो तीनों है ऑल अदर आर मोनोडेंटेट, ठीक है, ऑल अदर आर मोनोडेंटेट लिगेंड्स। इज इट ओके? नेक्स्ट वन आई थिंक इजी है, सिक्स्थ वन इज सिक्स है, डायरेक्ट ही था, ठीक है, इट्स अ सिक्स। थोड़ा कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस, ओके, अच्छा जो मैं ना क्लासरूम में, ये सेम असाइनमेंट है जो वहां पे गूगल फॉर्म की फॉर्म में होएगी, ठीक है, आपने सबमिट वहीं पे करवानी है, यहाँ पे मुझे भी नहीं पता लगेगा किसने करे हैं, अब तो कोई बोल रहा है कोई नहीं बोल रहा, ठीक है, वेडनेसडे तक करवा देना, बट ये इजी हो गया, जैसे गूगल फॉर्म में किसी को प्रॉब्लम होती थी सर एक बार ओपन हुआ फिर नहीं हो रहा, रीसबमिट नहीं हो रही, वैसे तो उसमें ऑप्शंस अभी इनेबल कर दी हैं, बट आप प्रिंट आउट आपके पास होगा, एक हार्ड कॉपी होगी, बेटर हो जाएगा, ठीक है, सो सॉल्व करनी है, जो आंसर आप कॉपी पे सॉल्व करोगे वहाँ पे फिल कर देने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके अभी इसी टॉपिक से हो जाएंगे, जो एक आधा टॉपिक रह रहा है वो नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएगा, सो ट्राई करके देखना क्वेश्चंस, इस जो अभी स्क्रीन पे दिख रही है वो क्वेश्चन करना है आपने 11, 12, 15, देखो तीन क्वेश्चन। A group of atoms can function as ligand when? B. Yes, it is B. ठीक है निमिषा? When it has unshared electron pair. ये small molecule हो ऐसा necessary नहीं है. Sometimes polymer भी होते हैं जो ligand होते हैं proteins में, अपने hemoglobin में example है उसका. बहुत heavy molecule है. ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड हो ये भी जरूरी नहीं है, अमोनिया वाटर कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो ये तो बिल्कुल ही कंपलसरी नहीं है, पॉजिटिव तो रेयर होते हैं, ठीक है, बट अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होना कंपलसरी है फॉर एनी लिगेंड टू एक्ट एज सॉरी टू एनी मॉलिक्यूल और आयन टू एक्ट एज लिगेंड। चलो नेक्स्ट, फिर बोनस है, ये तो रट गए होंगे, बी
बी ठीक है ओके दिस इज बी कोऑर्डिनेशन नंबर इज 3 × 2 = 6 ठीक है बाकियों में भी लिखते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4 × 1 = 4 अगेन 4 × 1 = 4 दिस इज 4 × 1 = 4 15th क्वेश्चन According to Lewis, the ligands are B. Ligands are basic electron donor. और according to Lewis concept, bases क्या होते हैं? Electron donor. ठीक है? Because ligands are electron donor. Ligands are electron डोनर ठीक है जैसे छोटी छोटी इसमें मिस्टेक है कोई कैपिटलाइजेशन ये सब्सक्रिप्ट रह गया इसका मैं करेक्ट करके एक बार रीसेंड जरूर करूंगा इसे रीड करना बच्चे डेफिनेशंस सो हम फुल फ्लेश्ड चैप्टर को प्रॉपरली स्टार्ट कर पाए नॉमनक्लेचर आइसोमरिज्म जो है सो ये दो लेक्चर स्पेशली स्टार्टिंग के मोर sort of introduction type थे because we have done only important definitions but छोटे छोटे concept जरूर पता लगे होंगे coordination number mono dentate didentate अगर किसी को clear नहीं है कोई problem नहीं है go through the notes देख लो copy देखो ये notes पढ़ लो doubts लेके आओ पूछो okay questions देख लेना objective है ठीक है और सिर्फ ऑब्जेक्टिव देख के वहीं पे छोड़ नहीं देने नीचे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं वो करने हैं ट्राई अगर ऑब्जेक्टिव हो गए या नहीं हुए सब्जेक्टिव देख लेने हैं दोनों में से कोई तो होंगे ठीक है जितने क्वेश्चंस हुए मैक्सिमम देखना ट्राई करें ओके सर ठीक है टेक केयर Okay.